नमस्कार दोस्तों, जीबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसका नंबर है 315 और टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, सवाल जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, उस सवाल जो है यहाँ से जरूर आता है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी विस्तार से हम थोड़ी चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में अपना जो पक्की सेट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू कर रहे हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसका नाम है बौद्ध धर्म। दोस्तों सबसे पहले देखो, आपने बौद्ध धर्म की थ्योरी तो पढ़ ली होगी। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि तो देखो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद में उपनिषदों में कर्मकांड और यज्ञों की आलोचना शुरू हो गई, और उसी लिए जो है उसी का उसने नींव तैयार की धार्मिक आंदोलन की। और उसी धार्मिक आंदोलन में क्षत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने दोस्तों जो ब्राह्मण लोग थे उनकी बराबरी करके या उनसे आगे निकलने का सोच लिया। ठीक है, तो और देखो एक बात ये थी कि महाजनपद काल में लोहे ने भी एक धार्मिक आंदोलन को चलाने के लिए आग में पानी कहते हैं भाई, आग में घी का काम किया। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम शुरू करने वाले हैं क्लास को बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। देखो दोस्तों, अभी मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, और जैसे ही खत्म होगा फिर दोबारा से मैं एक एक प्रैक्टिस सेट सबका कराऊंगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना जैन धर्म के थोड़े बहुत आसपास में हुई थी। ठीक है, तो अगर स्थापना की बात करें दोस्तों कि स्थापना किसने की थी, तो आप जानते होंगे भाई, गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने की थी। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ दोस्तों बचपन से ही कैसे थे, एकदम तर्क बुद्धि वाले थे। तर्क मतलब वो हर एक बात में सोचते थे कि भाई ये पृथ्वी गोल क्यों है। ठीक है, ये जो है कोई चीज आकाश से नीचे गिरती है क्यों है, बहुत सारी बातें, भगवान है या नहीं है ना, हम क्षत्रिय क्यों हैं, वो ब्राह्मण क्यों हैं, हम उनसे छोटे क्यों हैं, ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों उनके मन को अंदर से खाए रही थी। ठीक है, बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही थी, जिनका उत्तर शायद उस समय कोई भी नहीं दे पा रहा था। ठीक है, देखो कहते हैं ना कि भाई जब कोई बात दिमाग में घर कर जाती है, दिमाग में बैठ जाती है दोस्तों, वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो बहुत सारी बातों ने उनके मन को घेर रखा था, और दोस्तों वो वैराग्य की जिंदगी जीने लगे थे। तो क्या होता है, अब एक बार दोस्तों ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक है, कालदेव, कौंडिन्य और अतिश, ये तीन ब्राह्मण थे। कौन थे? कालदेव, कौंडिन्य और अतिश, तीन ब्राह्मण। कालदेव मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कौंडिन्य और अतिश,
ये तीन ब्राह्मण थे। तो एक ब्राह्मण की बात कहाँ से आती है कि जब गौतम बुद्ध बचपन में वैराग्य की जिंदगी जीते थे और उनके महल में, क्योंकि उनके पिता राजा थे शुद्धोधन, उनके महल में किसी बात की कमी नहीं थी, फिर भी सिद्धार्थ यानी गौतम का मन उन बातों में नहीं लगकर एकदम एकांत की जिंदगी, कुछ ना कुछ सोचने की प्रवृत्ति उसमें थी। तो उनके पिताजी और माताजी ने, माता का नाम उसको आप जानते होंगे ठीक है, यशोधरा, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, यशोधरा था, सॉरी यशोधरा नहीं, महामाया, महामाया ठीक है, महामाया उनकी माँ का नाम था, पिता का नाम था शुद्धोधन ठीक है। और दोस्तों यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था ठीक है, और राहुल उनके बेटे का नाम था। अब ये शादी तो बाद में हुई, परंतु जैसे बहुत सोचते थे, तो एक बार दोस्तों उन्होंने, शुद्धोधन ने क्या किया कि भाई इनका जो हाथ है, हाथ कहते हैं ना, हाथ दिखा देते हैं कि इनके मन में क्या है, इनके विचार आगे बनकर क्या करेंगे, ये ऐसा ना हो जैसे ये सोच रहे हैं वो जो है सन्यासी बन जाएं। क्योंकि दोस्तों आपने सुनी होगी कहानी कि चन्ना एक बार जो है, चन्ना उनको नगर भ्रमण कराता है, जिसके जिसमें वो एक साधु सन्यासी देखता है ठीक है, और बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति देखता है ठीक है, चिता देखता है, और एक दोस्तों क्या देखता है, एक देखता है उसका सन्यासी ठीक है, जो खुश था, बुजुर्ग जो तड़प रहा था, रोगी है ना, रोगी जो तड़प रहा था, बुजुर्ग लोग देखा, और एक अर्थी देखी। तो चन्ना ने उन चारों का मतलब बताया कि राजकुमार जी आप एक दिन बूढ़े हो जाओगे है ना, और फिर आपकी जो खाल है ऐसी हो जाएगी जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति है, फिर एक आदमी तड़प रहा था रोग में, तो कहता है चन्ना, चन्ना उसका सारथी था, सारथी चन्ना ने उनको रथ पर जो है नगर भ्रमण कराया, तो वो कहते हैं कि चन्ना के गौतम जी ये जो है रोगी व्यक्ति है और इसके रोग हो गया है, कोढ़ हो गया, इसलिए तड़प रहा है। एक सन्यासी देखता दोस्तों, तो वो कहता है ये कैसा आदमी है जिसने भगवा कलर के वस्त्र पहन रखे हैं, तो कहते हैं ये सन्यासी है और इसने संसार को त्याग दिया है, इसलिए ये खुश है अपने मन में। फिर एक अर्थी मिलती है, तो वो कहते हैं कि भाई कि ये क्या है, कि भाई चन्ना कहता है कि सरकार ये जो है आदमी मर जाता है तब इसको शमशान में फूंक कराते हैं हम, तो वो कहते हैं चलो चन्ना अब हम घर चलते हैं, हमारे सवालों का आंसर मिल गया है। दोस्तों उन्होंने उसके बाद में अब सन्यासी बनने का प्रण कर लिया, क्योंकि तो भाई उनकी जो बातें थी उनका कि अब मुझे घर छोड़ना है ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने जो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, अब उन्होंने तीन ब्राह्मण से इनका हाथ दिखाया कि भाई देखो जी इनके हाथ में, इनकी नसीब में क्या है। तो उनका नाम था कालदेव, कौंडिन्य और अतिश। उन्होंने कहा कि राजा साहब, शुद्धोधन से कह रहे हैं वो, राजा साहब या तो एक ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और या एक ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि राजा बनने के बाद, इसके बाद उन्होंने बहुत सारी इनके मन को जो है सन्यासी पने से बचाने के लिए अपने नगर में बहुत सारी लड़कियों को रखा, ताकि इनका मन जो है विचलित हो सके, इनकी बदल सके, क्योंकि इनका जो मन था वो सन्यासी पने में था ठीक है। परंतु दोस्तों होता क्या है, इनकी शादी भी कर दी जाती है मगर ये नहीं माने, और एक दिन दोस्तों कहते हैं भी अमावस्या की रात पर ठीक है, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात पर दोस्तों इन्होंने घर त्याग दिया है ठीक है। तो ये तीन ब्राह्मण थे, कालदेव, कौंडिन्य और अतिश। अब दोस्तों होता क्या है, माता, माता का नाम क्या था, माता का नाम, माता का नाम था महामाया, महामाया, महामाया। पत्नी का नाम था यशोधरा ठीक है, यशोधरा। बेटे के नाम था, बेटा का नाम
राहुल और मौसी का नाम था दोस्तों आप जानते हो सभी, प्रजापति, गौतमी प्रजापति। ठीक है, अब दोस्तों इनके जन्म की बात करें कि भाई जन्म कब हुआ था, जन्म तो जन्म इनका 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, स्थान क्या था, स्थान लुम्बिनी में, लुम्बिनी ये कहां पड़ता है दोस्तों, कुशीनगर में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर ये नेपाल की तराई में है। ठीक है, और जब थोड़ा सा खुदा मतलब आधुनिक भारत में आते हैं तब इसकी खुदाई होती है कि भाई उनका गौतम बुद्ध का जन्म आखिरकार कहां हुआ था। तो फ्रेंड्स पाते हैं कि कुशीनगर का जो नाम है वो है पिपरहवा, आधुनिक पिपरहवा है। ठीक है, पिपरहवा, और यहां पर दोस्तों अशोक ने जो है अपने धर्म यात्रा के 20वें वर्ष एक रुम्मन देही अभिलेख जो है कि वहां पर अभिलेख खुदवाया था जो धातु ताम्र धातु से बना हुआ है। ठीक है, तांबे की धातु से बना हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है हित बुद्धे, ठीक है, जन्मस्त मनोनीत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हित बुद्धे जाति ते साक्य मुनीत, यानी कि यह वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, हित बुद्धे जाति है साक्य मुनीत। ठीक है, तो दोस्तों इस यहीं पर जो है एक रुम्मन देय अभिलेख है, रुम्मन देय अभिलेख जो अशोक ने अपने धर्म यात्रा के 20वें वर्ष में खुदवाया था। अब इनकी दोस्तों मृत्यु की बात करें, मृत्यु की, ठीक है, तो लगभग 484 में, 84 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है, और सही एक साल बाद दोस्तों, सही एक साल बाद जो है, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति होती है। ठीक है, जो अजात शत्रु के काल में होती है। ठीक है, चार सौ तिरासी में, और इसके तुरंत बाद जो है बौद्ध संगति होती है पहली। ठीक है, कहां पर, राजगृह में। ठीक है दोस्तों, अजस्त्र काल में, तो इतना आप समझ रहे होंगे बौद्ध धर्म स्थापना गौतम बुद्ध ने की। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा राहुल, मौसी गौतमी प्रजापति। ठीक है, जन्म 563 BC, स्थान लुम्बिनी पिपरहवा, स्थान आधुनिक में ये रुम्मंदे अभिलेख मिला है, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों देखो होता क्या है कि बौद्ध धर्म, अब सबसे पहले कुछ चरण देखते हैं इनको, चरण। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों महाभिनिष्क्रमण की घटना थी, यानी कि ये ग्रह को त्याग करते हैं, यानी कि घर त्याग करते हैं। ठीक है, घर का त्याग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता क्या दोस्तों, आर्य प्रदक्षिणा, यानी कि कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, आर्य प्रदक्षिणा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बाद ये धर्म चक्र प्रवर्तन,
यानी कि ज्ञान का प्रसार करते हैं। प्रथम ज्ञान कहां मिलता है दोस्तों? मृगदावन में। कहां पर दोस्तों? ऋषिपत्तनम के मृगदावन में, ठीक है, सारनाथ के पास में ये। और उसके बाद में दोस्तों इनका महानिर्माण होता है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। ये कुछ स्टेप हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो थोड़ा सा मैंने ओवर भी बताया है, थ्योरी आपने सबने कंप्लीट कर ली होगी अच्छे से। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल देखो, अभी थोड़े से हल्के सवाल हैं और जैसे ही हम क्लास के बीच में चलेंगे बहुत ही शानदार लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? ठीक है, क्या है दोस्तों? त्रिपिटक, बौद्ध धर्म संघ, शील समाधि प्रज्ञा, सत्य अहिंसा करुणा। बहुत ही बढ़िया देखो सवाल है, क्योंकि पहला सवाल है बौद्ध धर्म का, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि आप डरे नहीं किसी भी सवाल से, ताकि धीरे धीरे आपको कठिनाई का एहसास हो कि हाँ भाई अब अच्छे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, त्रिपिटक, त्रिपिटक आप जानते होंगे, जो जो स्थान हिंदू धर्म में वेदों का है और वही स्थान बुद्ध धर्म में किसका है? त्रिपिटकों का है, ठीक है। और ये कितने पिटक हैं आप जानते होंगे? तीन पिटक हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है। दूसरा है आपका विनय पिटक, ठीक है। और तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, अब बात करते हैं भाई त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न क्या है दोस्तों, ठीक है। त्रिरत्न देखो, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। अब हम जैन धर्म की बात करें भाई, जैन धर्म में कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न तो सम्यक दृष्टि, ठीक है, ये भी आते हैं एग्जाम में, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीन रत्न है। और इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी तीन रत्न है, ठीक है, बौद्ध धर्म के। कौन कौन से हैं दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि दोस्तों, है ना, धम्मम संगम गच्छामि और संगम गच्छम गच्छामि, ये वाला श्लोक आपने सुना होगा। तो जो त्रिरत्न है बौद्ध बुद्ध में, वो है बुद्ध, धम्म और उनका संघ, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, भगवान बुद्ध के जीवन के निम्न घटनाओं को काल क्रम अनुसार लगाइए। देखो दोस्तों, आपने थ्योरी पढ़ी होगी और मुझे अब दोबारा थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है उसका क्रम, ठीक है। तो अब गलती मत करना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, एकदम बढ़िया अनशान हो आप सभी, ठीक है। दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के जीवन में, ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसी समय घटे, जैसे कि
इस पांचों में से सबसे पहले उन्होंने ग्रह का त्याग किया। ठीक है, पूर्णिमा की रात को ग्रह का त्याग किया। और ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रह त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अब ये सबसे पहला होगा इसमें। उसके बाद में जो दूसरा मैंने बताया कि भाई इन्होंने फिर कठोर तप किया। ठीक है, कठोर तप के बाद में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कठोर तप किया। भाई ज्ञान कठोर तप किया, उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो कठोर तप को क्या बोलते हैं? कठोर तप को, ठीक है, तो कठोर तपस्या को क्या बोलते हैं? आर्य प्रियेषण। ठीक है, आर्य प्रियेषण। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कौन सी कहानी घटती है इनमें से? भाई ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति यानी कि ज्ञान निर्वाण। ज्ञान निर्वाण। ठीक है, उसके बाद में इनमें से दोस्तों ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, उनके बाद में क्या कौन सी घटना घटती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्योंकि दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ही तो उन्होंने प्रथम धर्म चक्र उपदेश दिए थे, है ना, पांच ब्राह्मणों को। तो पांचवा चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और इनमें से पांचवा ऑप्शन दोस्तों कौन सा जाएगा? महापरिनिर्वाण, यानी कि जो मृत्यु होती है इनकी, इसको बोलते हैं दोस्तों महापरिनिर्वाण। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, जो ऐसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, बिल्कुल सिंपल सवाल था ऐसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहले पर आएगा ये वाला, दूसरे पर ये वाला, तीसरे पर ज्ञान प्राप्ति, और चौथे पर धर्मचक्र प्रवर्तन, और पांचवें पर महानिर्वाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तीसरा सवाल, निम्नलिखित किस गणराज्य के किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कर्षापण। कर्षापण दोस्तों उस समय मुद्रा थी। ठीक है, कर्षापण, कर्षापण का दंड देना पड़ेगा। तो कौन से दोस्तों? देखो उस समय लगभग आठ गणराज्य थे, जैसे कि राम ग्राम के कोली है, ठीक है, पिपली वन के मौर्य। देखो मैं लिख देता हूं गणराज्य, क्योंकि तो ये जो बज्र संघ था, बज्र संघ उसके गणराज्य थे, और उसमें जो वैशाली था वो प्रधान था। ठीक है, ये बुद्ध के समय के दोस्तों कुछ गणराज्य थे, जैसे कि पिपलीवन, पिपलीवन यहाँ के मौर्य प्रसिद्ध थे, यहाँ के मौर्य, पिपलीवन के जो मौर्य लोग थे, पिपलीवन के मौर्य। ठीक है, दूसरे कुशीनगा के मल्ल, कुशीनगा के मल्ल। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे हैं आपके दोस्तों कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, राम ग्राम के कोलिये, राम ग्राम के कोलिये। ठीक है, पावा के मल्ल, पावा
पावापुरी जहाँ पर महावीर स्वामी का देहांत हुआ था, पावा के मल्ल। ठीक है, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनाला के मल्ल, पिपलस्तु शाक्य, राम राम के कोलिय, पावा के मल्ल, ठीक है, और मिथिला के विदेह। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल देखो सिंपल सवाल है, फिर भी मैं इसको बड़ा बना रहा हूं ताकि आप समझ सकें। ठीक है, और दोस्तों इसी समय और भी थे जैसे कि भाई वैशाली के लिए अच्छी भी, वैशाली के लिए अच्छी भी। ठीक है, अल्प कप के बुली, अल्प कप के बुली बुली, और दोस्तों आठ हो गए। मिथिला नहीं आता, मिथिला नहीं इसमें, ठीक है, मिथिला नहीं है। आठ हो गया इनका, बेट द्वीप के ब्राह्मण, बेट द्वीप, बेट बेट द्वीप के ब्राह्मण, ठीक है ये। तो दोस्तों अब बताइए कि किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला कि अगर कोई भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा तो उसको 500 करचपड़ का दंड देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कुशीनगर के मल्लों ने। ठीक है, नंबर बी। ये सवाल आ सकता है अगर दोस्तों ने गणराज्य लिखे हैं तो गणराज्य भी आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका सवाल ये। चौथा तो सवाल है, निम्नलिखित में से किसके मध्य रोहिणी नदी को लेकर विवाद होता था जिसका समाधान गौतम बुद्ध ने किया था। दोस्तों कई बार कहते हैं ठीक है कि भाई गौतम बुद्ध ने घर इसलिए त्यागा क्योंकि उन्होंने दोस्तों उन्होंने रोहिणी नदी जल का समाधान किया था, इसलिए जो विरोधी पार्टी के लोग थे उनको मारना चाहते थे। ठीक है, तो वो कौन थे? क्योंकि देखो दोस्तों इधर तो शाक्य थे, शाक्य, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे, और यहां पर रोहिणी नदी है, रोहिणी नदी है, ठीक है, ये जो है ये वाली, ये है रोहिणी नदी, रोहिणी नदी। अब इसके पानी को लेकर इधर के साइड और इधर के साइड में अक्सर लड़ाई होती रहती थी, तो इसका समाधान गौतम बुद्ध ने कर दिया कि भाई आधा पानी तुम यूज करना, आधा पानी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसका नाम था कोलिय, कोलिये, देखिएगा, यानी कि अब लड़ाई किसमें हुई? कोलिये और शाक्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल, अवंती का शासक चंड प्रदोत निम्न में से किसके प्रभाव से बौद्ध धर्मावलंबी बन गया तथा अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, बौद्ध भिक्षु पिंडोल, महाकश्यप, महाकच्छयन। ठीक है, बढ़िया सवाल एकदम। ठीक
तो फ्रेंड्स देखो वो कौन था, वो था आपका महाकच्चायन। ठीक है, कौन था दोस्तों? महाकच्चायन था, क्योंकि दोस्तों वो अवंती का जो शासक था चंद्रप्रदोत, महाकच्चायन के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसका नाम था महाकच्चायन। मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाली स्रोतों में किस बौद्ध संगति के विषय में कहा गया है कि संगीति की समाधि समाप्ति पर भूकंप का झटका महसूस किया गया, जैसे धर्म की पुनर्स्थापना करने पर पृथ्वी कह रही हो बहुत खूब, वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है, पहला है फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो दोस्तों अगर हम बात करें कि बौद्ध संगतियां कितनी हुई, बौद्ध संगतियां, ठीक है, इसमें क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं तो व्याख्या करना जरूरी है। बौद्ध संगतियां, तो फर्स्ट की बात करें तो प्रथम की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, प्रथम संगति कब हुई थी? तो हुई थी 483 BC में। ठीक है, कहां पर हुई थी? राजगृह या गिरिव्रज में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी, अजात शत्रु ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि भी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो अध्यक्ष थे इसके, ठीक है, क्योंकि दोस्तों भाई चार, ठीक है, चार बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका पूरा नाम लिख देते हैं। पूरा नाम था पूरन महाकश्यप। आपने महाकश्यप पढ़ा होगा, केवल महाकश्यप। ठीक है, पूरा नाम था महाकश्यप। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति, दूसरा जो हुई सही 100 ईस्वी 100 साल बाद 383 BC में। ठीक है, कहां पर हुई दोस्तों? ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, काल अशोक के काल में। और साबक मीर के काल में, अध्यक्ष में साबक मीर या सर्वकामी, एक ही बात है, सर्वकामी दोस्तों या साबक मीर एक ही बात है। ठीक है, और देखो इसको बोलते हैं कि ये जो हुई थी बलुकिस्तान राम बिहार में। ठीक है, बलुकाराम बिहार में और चुल्लबग स्थान पर, चुल्लबग वैशाली बलुकाराम बिहार में। ठीक है, तीसरी दोस्तों, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, 251 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुई थी तीसरी? 251 BC में। कहां पर? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोक के काल में और मोगलीपुत्र तिस इसके कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चौथी की बात करें, चौथी बहुत संगति दोस्तों ये हुई आपकी 78 AD में, ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में हुई, पहली ईस्वी में कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों कुंडन बल कश्मीर में, कुंडन बल कश्मीर में। ठीक है, ये हुई थी कनिष्क काल में।
और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। अध्यक्ष देखे तो अध्यक्ष बसुमित्र और उपाध्यक्ष थे कौन थे? उपाध्यक्ष थे आपके अश्व घोष, अश्व घोष। ठीक है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वो सवाल दिख रहा है। तो दोस्तों देखो, आप सवाल पर आते हैं, काफी लंबा सवाल हो गया। तो ये सवाल जो है राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर जो तीसरी है, यह कथन तब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सात है, गौतम बुद्ध का प्रिय निवास स्थान कौन सा था? ठीक है दोस्तों, प्रिय निवास स्थान कौन सा था? बढ़िया सवाल है ये भी। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, अगर बात करें कि श्रावस्ती में स्थित पब्बराम इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनाया था प्रसेनजीत ने। ठीक है, प्रसेनजीत। अब अगर जेतवन की बात करें तो ये था आपका अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक। ठीक है, और घोषताराम श्रेष्ठी घोषित, ठीक है। अगर बेलीवन की बात करें तो बिंबिसार ने बनवाया था ये, बिंबिसार ने। अगर दोस्तों रत्नागिरी की बात करें तो ये इसका पता नहीं किसने बनवाया था, परंतु ये राजगृह के पास में है, राजगृह के पास में है। ठीक है, और इसको गृद्धकूट भी बोलते हैं, गृद्धकूट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम गृद्धकूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो प्रिय निवास स्थान था वो था आपका रत्नागिरी बिहार। ठीक है, राजगृह के पास में था, ऑप्शन नंबर डी, ई सॉरी। आठवां सवाल है, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो, पहला ऑप्शन है बौद्ध काल में सिबी सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, बरासी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये जो आठवां सवाल है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो सिबी था दोस्तों वो सूती कपड़े का नाम था, और
है, सीबी जाता था तो सूती कपड़े के लिए भेजता, ठीक है, सीबी सूती कपड़ा था, और गांधार जो था वो ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, सीबी सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और जो बनारस था वो रेशमी कपड़े थे, जो आज भी रेशमी कपड़े बनारस के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, भिक्षुणी संघ स्थापित किया गया था, भिक्षुणी संघ, बेहतरीन सवाल है भाई, तो बेहतरीन सवाल है, ठीक तो फ्रेंड देखो, भिक्षुणी संघ जो स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित गया, पहली बात तो ये देखते हैं कहां पर स्थापित गया, वैशाली में, वैशाली में स्थापित किया गया था, वैशाली में स्थापित, ठीक है, स्थापित, और किसके कहने पर दोस्तों, आनंद, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक है, कहां पर, वैशाली में, कहां पर दोस्तों, वैशाली में, स्थान का वैशाली, ठीक है, और प्रथम कौन थी, उनकी मौसी, मौसी जो थी दोस्तों, उनको पहली बार जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया भिक्षुणी के रूप में, महामाया, गौतमी प्रजापति, ठीक है। और देखो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी जो है उसके बाद दीक्षित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्तर पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। यानी कि दोस्तों सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जब गौतम बुद्ध की दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था और बांटने वाला कौन था, यह सवाल आ चुका है। तो 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया, ठीक है, 8 भागों में बांटा गया। पहला पिपली वर्ग के मौर्य है, ठीक है, पिपली वर्ग के मौर्य, ठीक है, चलो यहां नहीं, मैं यहां लिखता हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, यहां लिखता हूं, पहले हैं पिपली वर्ग के मौर्य, ठीक है, दूसरा अल्प कपकेबुली, अल्प कपकेबुली दिखाई दे रहा है, हाँ दिखा दे रहा है, अलकप के बुली, सफेद लिख दूंगी था, सफेद कैसा रहेगा। तीसरा तो बेट द्वीप के ब्राह्मण, ठीक है, चौथे है कुशीनारा, कुशीनारा एवं पावा के मल्ल, पावा के मल्ल, ठीक है, पांच में रामग्राम के कोलिय,
एक कोलिय है, ठीक है, रामग्राम के कोलिय। और जो छठा है मगध नरेश, मगध नरेश अजात शत्रु, ये भी कहता है कि भाई मेरे भी जो है अनुवाई, मैं भी उनका अनुवाई हूँ, मुझे भी इसका हिस्सा दीजिए, ठीक है। और साथ में है उनके कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य। और आठवें कौन, तो ठीक है आठवें के हैं वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इनको जो है आठ भागों में किसने बांटा, तो एक आदमी का नाम था द्रोण, द्रोण नामक व्यक्ति ने बांटा, ठीक है। आज थोड़ा मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्तर पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन प्रातात्विक साक्ष्य भी करते हैं। तो दोस्तों 10 में सवाल का सही आंसर हो जाएगा पिपर हवा। देखो मैंने आपको बताया था, देखो कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है। अब ये आपको पहले कह रहा है शाक्यों ने, तो कपिल वस्तु के शाक्य है, और कपिल वस्तु की जो आधुनिक पहचान की गई है वो पिपर हवा के स्थान पर की गई है, और पिपर हवा में, पिपर हवा नामक स्थल पर जो है गांव में जो है एक रुम्मन देई अभिलेख जो है खुदवाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पिपर हवा स्तूप बनवा दो, ठीक है, और वहां पर रुम्मन देई एक अभिलेख भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन, बढ़िया लेवल के सवाल आएंगे अब, ठीक है। अब तो थोड़ा हल्के हल्के थे, अब बढ़िया लेवल के सवाल आने वाले हैं। अब सवालों का लेवल बढ़िया होगा, तो पहले देखते हैं बौद्ध दर्शन बड़े पैमाने पर तत्व मीमांसा, घटना नैतिकता और ज्ञान मीमांसा में समस्याओं से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी, ये तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, बौद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम एक भारतीय राजकुमार बाद में बुद्ध के रूप में जाना जाता है कि शिक्षा पर आधारित मानता की गैर आस्तिक प्रणाली, बिल्कुल ठीक है। गैर आस्तिक मतलब दोस्तों जो धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो जो ये धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो आस्तिक होते हैं, ठीक है। जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो आस्तिक होते हैं, जबकि ये गैर आस्तिक की बात कर रहे हैं, यानी कि नास्तिक की बात कर रहा है, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रथम ऑप्शन है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले यूनानी थे, जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन, हिंद यवन, ठीक है भाई। आप जानते होंगे भाई कि प्रथम आक्रमण किन किन का हुआ, साइरस का, किसका, साइरस का, साइरस प्रथम। ये कौन थे दोस्तों, ये हिंद यवन थे, हिंद यवन शासकों ने दोस्तों सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो पहला ठीक है, दूसरा सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन था, मिनांडर था, बिल्कुल ठीक है, जिसमें वह कहता है कि मेरी जो बातें हैं वो कोई, जो मेरे मन में चल रही है बात है उनकी, जो मेरे मन की तृष्णा है उसको शांत कर दे। तो नागसेन और मिलिंदपनों के दोस्तों बीच में वार्तालाप होती है, और जो नागसेन है वो मिनांडर की जो मन की तृष्णा है उसको शांत करता है, और ये जो वार्तालाप होती है वे मिलिंदपनों नामक ग्रंथ में है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी ठीक है, हरिशयन द्वारा मिनांडर को बौद्ध धर्म में
दीक्षित किया गया। दोस्तों यही ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है, यही ऑप्शन जो है आपका गलत है। क्योंकि तो देखो हरिशेण नहीं, अभी मैंने बताया आपको नागसेन, कौन नागसेन, ठीक है। तो देखो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि एक और दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। परंतु ये पूछ रहा है, सुनो दोस्तों, ये पूछ रहा है आपका कि कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा गलत है और बाकी दोनों ये ठीक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी गलत, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन गांधार कला के बारे में असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन गांधार कला के बारे में असत्य है। दोस्तों जब हिंद यवन शासक आए, जब मौर्योत्तर काल आया, तो हमारे देश में मूर्ति कला की स्थापना होती है, ठीक है, मूर्ति कला अपने चरम पर आती है। और देखो दोस्तों मूर्ति कला के लिए दो कलाएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, पहले का नाम है गांधार कला और दूसरे का नाम है मथुरा कला, ठीक है, जिनमें देवी देवताओं की है ना, और गौतम बुद्ध की, जैनियों की, गणेश की, शिव शंकर की, गौरा पार्वती की मूर्तियां वगैरह बननी शुरू होती हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इस कला में भाव की कल्पना, विषय अलंकरण सर्वथा भारतीय है। दोस्तों दूसरा, इस शैली का मुख्य विषय बुद्ध का बौद्ध धर्म संबंधी वृत्तांतों का दर्शन, बिल्कुल ठीक है, गांधार, ठीक है, गांधार जो कला है दोस्तों, जो बौद्ध कला है। तीसरा, यह कला पुरुष प्रधान तथा यथार्थवादी कला है, आध्यात्मिकता तथा भावुकता का इसमें अभाव है, बिल्कुल ठीक है। प्रभाव मंडल का भारतीय मूर्ति विधान में सर्वप्रथम प्रयोग गांधार कला से शुरू होता है। प्रभाव मंडल का मतलब क्या होता है, माने कि ये गौतम बुद्ध की दोस्तों तस्वीर है, इसके बीच में दोस्तों गोला गोला सा बनता है ना, गोला गोला सा पीले पीले सा है ना, ये बनता है पीले पीले सा, देखो इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का गोला बनता है पीछे, आपने देखा हो तस्वीर में, तो उसको बोलते हैं प्रभा मंडल। और उसको जो है खम्भे के पास में जो है रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए ही गलत है दोस्तों, क्योंकि इस कला में भाव की कल्पना, विषय तथा अलंकरण सर्वथा भारतीय नहीं यूनानी है दोस्तों, ये यूनानी, ठीक है, यूनानी है, जो भी भाव है, विषय है, अलंकरण है, वो कहाँ है दोस्तों। देखो बेशक भारतीयों ने बनाया, परंतु जो मूर्ति कला का जो कहते छाप जो है, छाप वो पड़ी है यूनानियों की। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म व बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कितने संप्रदायों का वर्णन है। भाई कई बार सवाल मैंने देखा है एग्जामों में, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला ऑप्शन है 60, 80, 300, 403, 79, 673, 52, 400 और 363, 62। यानी कि देखो संप्रदाय, संप्रदाय जो थे जैन और बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में कितने हैं, ठीक है, और जी बौद्ध ग्रंथों में कितने हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों अगर बात करें जैन ग्रंथों में, तो भाई जैन ग्रंथों में आपके 363, ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में 62, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रही हो क्लास, ठीक। 15वां सवाल, बौद्ध धर्म में पंचशील का समझा सिद्धांत
देखो 1954 में दोस्तों, आप ये देखो 1954 में भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ में एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता, ठीक है। अब बौद्ध धर्म ने पंचशील के सिद्धांत किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दो ये जो बौद्ध धर्म में जो पंचशील सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है, पहला सुना तैतरीय ब्राह्मण छांदोग्य सूत्रेश्वर, ये सभी जो है दोस्तों उपनिषद हैं, मांडुक्य या कोशित की है। तो फ्रेंड्स पंचशील का जो सिद्धांत लिया गया है वो लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से, ठीक है। कहां से? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए थे, ठीक है दोस्तों। यानी कि अशोक ने जब गौतम बुद्ध का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह पर कुछ अनुयायी भेजे, तो दोस्तों आपको बताना है कहां पर कहां का भेजेगा। ये सवाल कई बार आ चुका है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो कई बार ये आ चुका है सवाल, ठीक तो फ्रेंड देखो मध्यम इनको भेजा गया था हिमवंत हिमालय प्रदेश में, ये ठीक है। दूसरा महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। मध्यंतिक कश्मीर व गांधार भेजा गया था, और जो धर्मरक्षित को दोस्तों कहां भेजा गया था, ये भेजा गया था पश्चिम भारत, पश्चिमी भारत भेजा गया था, ठीक है। जबकि ताम्रपर्णी जो है वो श्रीलंका का नाम है, श्रीलंका का ताम्रपर्णी या श्रीलंका, ठीक है। यहां भेजा गया था दोस्तों तो अपने उन्हें बेटर बेटी भेजे अशोक ने, कौन? संघमित्रा और राहुल, ठीक है। नहीं राहुल नहीं, वो क्या नाम उनका, महेंद्र, सॉरी महेंद्र, महेंद्र महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों बेटा बेटी थे। इनको कहाँ भेजा था? ताम्रपर्ण या श्रीलंका भेजा। तो ऑप्शन नंबर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है, और बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वां सवाल, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन कौन गया था? पहला है कश्यप मातंग, धर्मरतन, शांति रक्षित, कुमारजीव।
ठीक है, अब बताइए ए या बी या ए या सी, तो कौन बौद्ध धर्म के प्रचार करने सबसे पहले चीन गया था? ठीक है, सबसे पहले चीन में कौन गया था? तो फ्रेंड देखो, काश्यप मतंग भी गए थे और आपका धर्म रतन भी गए थे, ठीक है, यानी कि ए और बी ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ए ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 का ई। 18वां सवाल देखते हैं, पहला गुप्त शासक कौन था जो बौद्ध धर्म अनुयायी था? ठीक है, कौन था दोस्तों वो? पहला ऑप्शन है नरसिंह गुप्त, बाल आदित्य, श्री गुप्त, बुद्ध गुप्त या पुरुगुप्त? कई बार एग्जाम में आ चुका दोस्तों ये सवाल, है ना, कई बार, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो फ्रेंड देखो, स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद में आता है पुरुगुप्त, जिसका समय 467 से लेकर 473 ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी। ये पहला गुप्त अनुयायी था और बाकी के सब कौन थे? तो वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो पहला पुरुगुप्त ऐसा पहला शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था, ऑप्शन नंबर डी। ये आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चीनी सभ्यता मैं किसका राज्यकाल बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ताइसुंग, काओसुंग, तुमाचियन या सी हुआंगटी। तो सी हुआंगटी के काल में दोस्तों क्या हुआ था? चीन की महान दीवार बनी थी, चीन की महान दीवार निर्माण हुआ था सी हुआंगटी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपने सुना होगा सुंग, सुंग सुंग साम्राज्य, उसका एक राजा था, इसका नाम था काओत्सुंग, काओ काओत्सुंग, जिसका समय 1107 से लेकर 1187 तक था। इसके काल में दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा हुआ था, इसलिए उसके काल को बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी काउत्सुंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आ सकता है सवाल ये, इसलिए मैं लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला आपके सामने है वल्लभी की स्थापना में मैत्रक शासक भट्टार्क ने की, ठीक तो फ्रेंड देखो, आप जानते होंगे वल्लभी कहां है? गुजरात में है, जहां पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। तो
तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो मैत्रक शासक भट्टाक ने की थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वल्लभी महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। ये जो है जैन धर्म की और बौद्ध के हीनयान की प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तीसरा, वेन स्वांग ने वल्लभ की समृद्धि का वर्णन किया, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चीन बौद्ध धर्म और भारत संबंधों के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो पहले थे आपको बताना है असत्य कथन। पहला, 379 ईस्वी में चीन और बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, चीनी बौद्ध संस्कृत और पाली में लिखे गए मूल बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है। वो चीनी लोग जो आए, जो भारत भ्रमण करने आए, वो मूल ग्रंथ को खोजने के लिए आए थे, ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इसलिए 400 से 700 ईस्वी के मध्य फायान आया, सुंगयुन आया, हेनसांग आया, ठीक है, इत्सिंग आया, बिल्कुल ठीक है। ये भी देखो, जो ये जो आए थे चीनी यात्री, वो बौद्ध ग्रंथों को खोजने के लिए आए थे, ठीक है, कि कुछ ना कुछ मिल जाए। चौथा, भारतीय संस्कृति के चीन पर प्रभावों में सर्वाधिक स्पष्ट शिल्प व चित्रकला की भारतीय तकनीक का प्रभाव है, बिल्कुल ठीक है। तांग कालीन चीनी सिक्के बंगाल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये गलत है। तांग कालीन जो चीन थे वो बंगाल से नहीं। तो अगर बात करें कि भाई तांग कालीन सिक्के, ठीक है, वो बंगाल से नहीं मिले हैं, ठीक है दोस्तों। वो आपके कहां से मिले दोस्तों? वो आपके दक्षिण भारत से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो गलत है और बाकी सब जो है ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण है? महायान बौद्ध धर्म, पहला है बुद्ध प्रतिमा की पूजा। देखो दोस्तों, महायान और ये हो गया हीनयान, हीनयान ये हो गया महायान, ठीक है। हीनयान और महायान, हीनयान मतलब दोस्तों छोटी गाड़ी, इसका मतलब है बड़ी गाड़ी, यह है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनवादी, यह है परिवर्तनवादी, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा वर्जित, इसमें मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया है, ठीक है। यानी हीनयान का मतलब यह है कि दोस्तों कि जैसे जो गौतम बुद्ध के समय में था, बिल्कुल ऐसा ही सोच और विचार मानने वालों के जो लोग थे वो हीनयान के समर्थक हुए। और जो कहते कि भाई समय के अनुसार कुछ चेंजिंग परिवर्तनवादी लोग थे, जो थे वो महायान धर्म के अनुयायी बन गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई अब गौतम बुद्ध तो है नहीं, तो हम उनकी मूर्ति बनाकर हम उनको जो है पूज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो है नहीं दोस्तों, तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं। देखो आज की डेट में 90% जो है
महायान संप्रदाय जो है फैला हुआ पूरी दुनिया में, ठीक है, जबकि हीनयान श्रीलंका में है, तिब्बत में है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण क्या है? मूर्ति बुद्ध प्रतिमा की पूजा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है, क्योंकि उसने जो स्थानीय पंथ थे उनको आत्मसात कर लिया अपने अंदर। तीसरा, बोधिसत्व की स्थापना बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बोधिसत्व मतलब कि भाई कि ऐसा है कि इसमें कुछ महान पुरुषों की को बताएगा कि भाई ये महान पुरुष है, जैसे कि गौतम बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर दोस्तों उनको बोधिसत्व कहा गया, ठीक है। यानी कि ये दुनिया में जो आए हैं ये जनता की सेवा करने के लिए आए, मानव मात्र की सेवा करने के लिए आए हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या था? मानव मात्र की सेवा करने के लिए, बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग, दोस्तों पाली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। इन्होंने देखो महायान के लिए संस्कृत का भी प्रयोग किया, ठीक है, पाली का भी प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया। और देखो अब की बात यह है कि भाई अब हर एक भाषा में महायान का प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो चौथा गलत है और एक दो तीन ठीक है दोस्तों। ये सवाल बहुत बढ़िया है, आ सकता है सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सुत्त पिटक के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। सुत्त पिटक दोस्तों, सुत्त पिटक के बारे में चयन कीजिए। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। यह त्रिपिटकों का सबसे बड़ा व श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें भाई पिटक कितने हैं, पिटक तो तीन पिटक हैं। प्रथम जो है उसका नाम है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभी धम्म पिटक, अगर बात करें सुत्त पिटक की दोस्तों, सुत्त मतलब होता है टोकरी, ठीक है, उल्टी टोकरी। तो दोस्तों सुत्त पिटक का मतलब है जहां पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जहां पर है उसको बोलते हैं सुत्त पिटक, ठीक है। तो इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। देखो बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। और यह त्रिपिटकों का सबसे बड़ा व श्रेष्ठ, बिल्कुल ठीक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और देखो दोस्तों सुत्त पिटक तो हुआ धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, शिक्षाओं का संग्रह। विनय पिटक जो बौद्ध संघ था उनमें तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए नियम और जो विधान थे उनका संग्रह है। और जो अभिधम्म पिटक है बौद्ध धर्म का दार्शनिक जो वर्णन है वो अभिधम्म पिटक में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है सत्य हैं, तीनों सत्य जो असत्य नहीं है, ठीक है, तीनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दीर्घ निकाय से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। दीर्घ निकाय,
तो फ्रेंड देखो, अगर हम दीर्घ निकाय की बात करें तो ये है क्या दोस्तों? पिटक आपको पता है तीन है, ठीक है? जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक वो तीन भागों में डिवाइड, सॉरी पांच भागों में डिवाइड है। पहला है दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, ठीक है। तीसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, ठीक है। एक है आपका उद्दक निकाय, क्या है? उद्दक निकाय। और एक है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, दीर्घ निकाय से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो देखो, आपको बताया मैंने, एक जो दीर्घ निकाय है वो सुत्त पिटक के पांच जो भाग हैं उनमें से एक है, जिनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय पद्म है। इनमें गौतम बुद्ध के वार्तालाप और शिक्षा है, जबकि ये जो समय वैसे शिक्षा है चार जो है ये गद्य में है और खुद्दक निकाय पद्म है, ठीक है। ये दोस्तों ये पद्म है, पद्म माने काव्य में, ठीक है। तो आइए देखते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र इसका भाग है। अब दोस्तों बताइए, इसका बिल्कुल ठीक है। देखो जो महापरिनिर्वाण सूत्र है वो दीर्घ निकाय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, अजातशत्रु बुद्ध के लिए कहा कि भगवान क्षत्रिय थे तो मैं भी क्षत्रिय हूं, ठीक है, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों दीर्घ निकाय में उल्लेखित है। तीसरा, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दीर्घ निकाय में मिलता है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रसन्नजीत ने बुद्ध के बारे में कहा, प्रसन्नजीत ने दोस्तों, प्रसन्नजीत ने, ठीक है दोस्तों, प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा भगवपी कौशल को, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। और फिर कहते हैं कि वह भी 80 के हैं, यानी कि मैं भी 80 80 वर्ष का हूं और भगवान बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। ये पंक्तियां किसमें उल्लेखित हैं? ये आ चुका है कई बार, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या उत्तर निकाय में। तो ये सुत्त पिटक के जो दीर्घ निकाय है, जो सुत्त पिटक है उनके चार भाग हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा है मध्यम निकाय में, मध्यम निकाय में, ठीक है, मध्यम निकाय में कहा है। आगे बढ़ते हैं 26वें सवाल। बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का उल्लेख है किस लिखा है में दोस्तों? खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, विनय पिटक या खंडक में? बहुत बेहतरीन सवाल है, आप ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है। जो भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन दोस्तों क्लास में, ठीक है। बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का उल्लेख है, ठीक
तो किस में है? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की भेंट का जो उल्लेख है दोस्तों, वो किस में मिलता है? वो मिलता है मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय दोस्तों ये सुत्ति पिटक का भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जातक कथा के बारे में विचार कीजिए। जातक कथा के बारे में विचार कीजिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जातक कथा के बारे में, परंतु थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं संख्या अच्छी है आज क्लास में, बढ़िया एकदम बेहतरीन। आइए दोस्तों, ठीक है, तो ये मध्यम निकाय का हिस्सा है। इसमें बुद्ध के पूर्व के जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। ये गद्य व पद दोनों में कुल 50 की संख्या में है दोस्तों। देखो ये मध्यम निकाय का भाग नहीं है, क्योंकि देखो ये जो है स्वतंत्र है, ठीक है, जातक कथाएं दूसरा, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, बिल्कुल ठीक है, और लगभग इसमें दोस्तों लगभग 550 की, 500 से ऊपर यानी कि 550 की संख्या है ना। तो इसमें जो गलत है, जो सही है पहला, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, जबकि पहला गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा और तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि भाई इसमें केवल जो ए है, केवल फर्स्ट असत्य है, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विनय पिटक क्या है दोस्तों? विनय पिटक, आपको मैंने बताया कि पिटक, पिटक कितने हैं दोस्तों? पिटक तीन है, सुत्ति पिटक, ठीक है, सुत्ति पिटक है, दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है, सुत्ति पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और धार्मिक विचारों का वर्णन है। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणियां थी, उनके आचार नियम संबंधी नियम है, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या का वर्णन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म संघ के नियम आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है। दूसरा है तीन भाग हैं, पातिमोक्ष, खंडक और परिवार, ठीक है। तीसरा, इसमें महावीर स्वामी और बुद्ध को समकालीन बताया गया है और उनके मिलने का वर्णन है। दोस्तों देखो पहला भी ठीक है, आप जानते होंगे जो विनय पिटक है उसमें बुद्ध संघ जो था उनके नियम आचार विचार विधि का निषेध का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है, क्या निषेध है, क्या क्या करना क्या नहीं करना। दूसरा, इसके तीन भाग हैं, विनय पिटक के तीन भाग हैं, कौन कौन से? पातिमोक्ष यानी कि पश्चाताप करना, खंडक और परिवार। इसमें महावीर स्वामी और बुद्ध को समकालीन बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि भाई ये तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावस्तु है। इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस ने की। पिटक का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। तो फ्रेंड पहले देखते हैं अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावस्तु है, बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों अभिधम्म पिटक पिटकों का तीसरा भाग है,
और इसमें क्या है, जो बौद्ध धर्म है उनके सभी जो बातें हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो कथाबत्तु है, कथाबत्तु, ठीक है। दूसरा, इसकी रचना मोगलिपुत्तिस ने की, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, बिल्कुल ठीक है, टोकरी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी सही है, ठीक है। आप जानते होंगे तीन पिटक थे। अब दोस्तों ये डेली सवाल ऐसा होता है, डेली सवाल। देखो सवाल यह है कि बौद्ध धर्म से प्रेरित, मैं लिख देता हूं, बौद्ध धर्म से प्रेरित बौद्ध धर्म से प्रेरित, ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रेरित पद्य में लिखित तथा पद्य में लिखित किस पुस्तक में, किस पुस्तक में जीमूतवाहन नामक बोधिसत्व बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है, ये सवाल है आपका, ठीक है, ये सवाल है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, दाएं भाग, बी है आपका व्यवहार मात्र का, व्यवहार मात्र का, सी है आपका नागानंद, डी है रत्नावली, और ई है आपका महावस्तु। ठीक है, महावस्तु। तो फ्रेंड को आप जानते होंगे भाई, बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य में लिखित किस पुस्तक में है जीमूतवाहन नामक बोधिसत्व की हत्या की कथा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है नागानंद ने, ठीक है, नागानंद। देखो नागानंद जो पुस्तक है दोस्तों वो हर्ष की है, हर्ष ने तीन पुस्तकों को लिखा था, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है, तीन जो पुस्तक उसने लिखी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। और अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर है 8218345167। तो फ्रेंड धन्यवाद क्लास करने के लिए, मिलते हैं कल एक अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।